नमस्कार, किताब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना अकबरनामा पर। अकबरनामा 16वीं सदी के आखिरी दशक में रचा गया था और इसके लेखक अबुल फजल अकबरी दरबार के नवरत्नों में गिने जाते हैं। अकबरनामा शहंशाह अकबर की दिनचर्या, उनकी शासन प्रणाली, उनके काम काजों का विवरण तो खैर देता ही है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये अपने समय के भारत के बारे में और दुनिया के बारे में खासी जानकारियाँ देता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबरनामा, इसके लेखक अबुल फजल आस्था और उसकी आधिकारिक व्याख्या के बरक्स तर्क और विवेक को रेखांकित करते हैं। अजगावत मन में रो झूमते तेरे तायन भगवान। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार संगीत सम्राट तानसेन के सुरीले सुर और तान से गुंजायमान रहता था। अजीमुशान शहंशाह अकबर के नवरत्नों में तानसेन के अलावा बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और फैजी के अलावा अबुल फजल जैसे विद्वान भी थे। अबुल फजल ने ही 16वीं सदी की आखिरी दहाई में अकबर के काल को कलमबद्ध किया और इसे नाम दिया अकबरनामा। 1551 में पैदा हुए अबुल फजल का 51 साल की उम्र में 1602 में निधन हुआ था। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक नागौरी अपने समय के अग्रणी इस्लामी विद्वान थे और उनके भाई फैजी फारसी के सम्मानित कवि और उनकी तरह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल का ग्रंथ अकबरनामा अकबर के जीवन का, उस समय का, अकबरी दरबार और शासन प्रणाली का वृत्तांत तो है ही, वो अंध आस्थाओं के विरुद्ध तर्क और विवेक के संघर्ष का दस्तावेज भी है। इस अत्यंत विशाल ग्रंथ को इतिहास लेखन का स्रोत माना जाता है। अकबरनामा की रचना का समय भारत में महत्वपूर्ण बौद्धिक गतिविधियों का समय है। ये 16वीं सदी में चल रहे वैचारिक मंथन के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि देने वाला ग्रंथ भी है। अकबरनामा शहंशाह की दिनचर्या, उनके जीवन क्रम और राजकाज का वर्णन करने के साथ ही अपने समय के भारत और विश्व के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं नोट करता है। ये कोरा दरबारी इतिहास नहीं बल्कि अपने समय को समग्रता में नोट करने की कोशिश करता दस्तावेज भी है। अकबरनामा का अध्ययन भारत के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए और इस्लाम के विशिष्ट भारतीय संस्करण की बुनावट को समझने के लिए बेहद जरूरी है। अकबरनामा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वो हमारे उस समय के इतिहास को समझने के लिए और उस पूरे भारतीय वैचारिक विकास को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज हम लोग अकबरनामा पर बात करेंगे और हमारे साथ अकबरनामा पर बात करने के लिए मध्यकालीन इतिहास के विश्वविख्यात विद्वान प्रोफेसर हरबंस मुखिया मौजूद हैं। प्रोफेसर मुखिया, आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मुखिया ने मध्यकालीन इतिहास पर महत्वपूर्ण काम तो किया ही है, भारतीय इतिहास में सामंतवाद की कैटेगरी कितनी उपयोगी है और कितनी उपयोगी नहीं है, इस पर उनका विवेचन, उनका काम इतिहासकारों के बीच में लगातार विवाद और बहस का विषय बना रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में भी हम लोग पहले हिस्से में प्रोफेसर मुखिया से अकबरनामा के बारे में बात करेंगे और दूसरे हिस्से में यहाँ हमारे जो श्रोता बैठे हुए हैं वो इस किताब के बारे में बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे। बातचीत में शुरू करूं प्रोफेसर मुखिया से, उसके पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीर है जिसमें कि अबुल फजल अकबरनामा की प्रति शहंशाह अकबर को भेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कैमरामैन आपको ये तस्वीर ठीक से दिखा रहे होंगे जिसमें वो अकबरनामा की प्रति अकबर को दी जा रही है। प्रोफेसर मुखिया, मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ, तुर्क सल्तनत और मुग़ल शासनकाल में ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, क्रॉनिकल्स जिनको हम कहते हैं, वृत्तांत जिनको कहते हैं, इन तमाम सारी किताबों के बीच में अकबरनामा की अपनी खास अहमियत क्या है?
बहुत बड़ी अहमियत है इस अकबरनामा की। सबसे पहले मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया, इतिहास लेखन का एक तरह से परिकल्पना इस्लाम के साथ इस्लामिक दुनिया में आई। इस्लाम के साथ एक नया धर्म आया और एक इतिहास की परिकल्पना भी आई। उसके पहले अरब दुनिया में वो अनपढ़ नहीं थे, कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे, उनमें वंशावली की प्रथा थी, हिसाब किताब तो ज़ाहिर बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इतिहास का पी की परिकल्पना नहीं थी, जो इस्लाम का अरब दुनिया में नहीं, अरब दुनिया में नहीं थी। तो वहाँ से एक तरह से इतिहास लेखन की परिकल्पना हमारे यहाँ, जहाँ भी इस्लाम का प्रचार हुआ वहाँ पर वो परिकल्पना भी आई, तो हिंदुस्तान में भी वहीं से आई है एक हद तक। उसमें परिवर्तन हुए हैं लेकिन बड़ी हद तक वो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है जी। और उसका नतीजा ये होता है कि जो भी इतिहासकार इतिहास अपना शुरू करता है वो पहले अल्लाह की तारीफ़ करता है, उसके बाद मोहम्मद की तारीफ़ करता है, उसके बाद खलीफों की तारीफ़ करता है, उसके बाद पहले गुजरे हुए सुल्तानों का नाम लेता है, उसके बाद अभी आज के उसके समकालीन सुल्तान का नाम लेता है। तो इस तरह से समकालीन सुल्तान की वो जो जिसको डिसेंट कहते हैं, एक तरह से राजनैतिक वंशावली ही कहा जा सकता है, वो इस्लाम के ज़रिए आती है। अकबरनामा में अल्लाह की तारीफ़ है, बल्कि अल्लाह का भी जिक्र वो कम करते हैं, वो इलाही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो अल्लाह तो गॉड है, इलाही डिविनिटी के सेंस में ज़्यादा, गॉड प्रिंसिपल डिविनिटी के सेंस, डिविनिटी के सेंस में ज़्यादा होता है, तो वो डिविनिटी को प्रेफर करते हैं, डिविनिटी को पसंद करते हैं, इलाही को पसंद करते हैं अल्लाह से ज़्यादा। तो बहरहाल अल्लाह की तारीफ़ की या अल्लाह इलाही की तारीफ़ की, उसके बाद मोहम्मद का कहीं ज़िक्र नहीं है, खलीफों का कहीं ज़िक्र नहीं। ये बहुत ही रोचक है। हाँ, यानी अकबरनामा की जो शुरुआत होती है उसमें इलाही का जिक्र है, इलाही की तारीफ़ है, उसके बाद जो परंपरा है कि पैगंबर की, खलीफाओं की, कतई कोई जिक्र नहीं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक बात। और अकबर को वो अल्लाह के बाद आदम का जिक्र है जी, जो पहला पुरुष था जी। उसके बाद वो कहते हैं कि अकबर आदम का 53वां वंशज था, वंशज था अल्लाह, आदम और अकबर के बीच में 52 वंशज हैं, 52 पीढ़ियाँ हैं, 52 पीढ़ियाँ हैं। वो कहते हैं मुझे 26 के बारे में मालूम है, 26 के बारे में मालूम नहीं है, वो ऐसे गिनाते हैं 26 को। तो जो बात वो जो कह रहे हैं बुनियादी तौर पर, वो एक तो ये जो काम वो कर रहे हैं इस अकबरनामा में, कि वो इतिहास लेखन को इस्लाम की धुरी से अलग कर रहे हैं जी, बिल्कुल जी, अलग कर रहे हैं। और ज़्यादातर इतिहासकार हिजरी संवत का इस्तेमाल करते हैं, अबुल फजल ने हिजरी संवत का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, इलाही संवत, यानी अकबर के राज्यारोहण से जो शुरू होता है, जो शुरू होता है इलाही संवत जिसको कहते हैं, वो किया है। तो पूरी तरह से वो इस्लाम से अलग कर रहे हैं, इस्लाम की परंपरा से इतिहास लेखन को अलग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बड़ी बड़ा परिवर्तन है, बहुत बहुत बड़ा एक उनका काम है अबुल फजल का। तो ये उसका महत्व है, एक महत्व है, उसके और भी महत्व हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा महान महत्व उसका यही है कि वो एक स्थापित परंपरा से बिल्कुल अलग जा कर के एक नए ढंग का इतिहास लिख रहे हैं। आपने पिछले दिनों एक पेपर लिखा है अबुल फजल की रैशनलिटी के बारे में, तो रैशनलिटी का संबंध आमतौर से हम जोड़ते हैं जो कार्टेजियन रैशनलिटी है, यूरोप में जो रैशनलिटी की बात शुरू होती है डेकार्त के साथ या मैक्स वेबर के साथ, डिसएन्चेंटमेंट की बात होती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 16वीं सदी के किसी व्यक्ति के प्रसंग में रैशनलिटी शब्द का प्रयोग करके आप कुछ ज़्यादती कर रहे हैं? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, रैशनैलिटी का जो आपने अर्थ बताया वो एक अर्थ है जी, जिसको हमने यूरोप से ग्रहण किया है जी, कि यूरोप में जो रैशनैलिटी या विवेक को जिसको परंपरा कहते हैं,
विवेक और परंपरा या विवेक या और धर्म उसका विपरीत माना जाता है यूरोप में, माना गया उस दौर में माना गया, हाँ पोस्ट एनलाइटमेंट जमाने में माना गया। तो वहाँ से एक दूसरे के अंतर विरोध इसमें स्थापित हुआ। लेकिन ये एक अर्थ है जिसको हम लोग मान करके चले आ रहे हैं। अबुल फजल की रैशनैलिटी है वो इन अर्थों में रैशनैलिटी नहीं है। अबुल फजल एक जगह अकबरनामा में कहते हैं कि दीन और अक्ल में कोई अंतर विरोध नहीं है। तो वो किस अक्ल की बात कर रहे हैं जिसका कि दीन से कोई अंतर विरोध नहीं है? मैं इस मुद्दे पे बहुत मुझे बहुत दिलचस्पी हुई और अभी चल रही है वो दिलचस्पी जी, जी। वो इसलिए कि मैं इस तलाश में निकला कि किन अर्थों में वो विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं या रैशनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं जो कि यूरोप से बिल्कुल अलग है। उनका अपना शब्द क्या है विवेक और रैशनैलिटी? तो हम लोगों के शब्द हैं अक्ल हाँ जी। और दूसरी तरफ तकलीद का मतलब जो परंपरा चली आ रही, जो हमने मान करके चल रहे हैं, जो हमने सुना है पुरखों से वही चली आ रही है, तो उनमें अंतर विरोध की बात की जाती है। असल में एक तरह से आपने जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं कि एक अलग किस्म की रैशनैलिटी भारत में जिसका कि एक भारतीय रंग है सिर्फ, जो कि दूसरी रैशनैलिटी से अलग है, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। और वो ये है कि भारत में जब इस्लाम आया तो एक ईश्वर की परिकल्पना दोनों की अलग थी, हिंदू धर्म में अलग थी, इस्लाम में अलग थी, उनके पूजा की इबादत के तरीके अलग थे, हर चीज़ अलग थी, उनमें आपस में टकराव भी हुआ, उनमें आपस में टेंशन भी हुई, आपस में सामंजस्य भी हुआ, तरह तरह के जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं वो ही। लेकिन इसका एक बड़ा दिलचस्प हल हमारी ज़मीनी धरातल पर निकला। वो ज़मीनी धरातल पर यूँ निकला कि एक तरफ इस्लाम में अल्लाह या खुदा का तसव्वुर है जो कि सिर्फ अकेला है, एक ईश्वरवाद जिसको कहते हैं मोनोथीज़म। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जो अलग है। अब इनमें जब अगर आपस में टकराव होता है तो उसका इलाज, उसकी समाधान ये निकाला गया धरातल पर, जैसे मैंने कहा कि हम अल्लाह और ईश्वर को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते, हम सिर्फ एक जिसको हम कह सकते हैं एकेश्वरवाद नहीं बल्कि यूनिवर्सैलिटी ऑफ गॉड, एक ईश्वर है जो सबका ईश्वर है, सर्वव्यापकता जो तुम्हारा अल्लाह भी है, हमारा ईश्वर भी है, ना सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है, ना सिर्फ हमारा ईश्वर है, वो सबका सबका। तो डॉक्टर साहब इसमें आपको क्या लगता है इस खोज में या इस रेखांकन में अबुल फजल और उनकी इस पुस्तक का कोई योगदान है क्या? जी मैं वहाँ पर एक मिनट में आऊँगा अभी, लेकिन मैं इसके पहले वहाँ पर आऊँ वो मैं कहना चाहूँगा कि ये जिसको मैं बार बार कह रहे हैं भारत की धरातल से, ज़मीन से ये उभरा है और ख़ास तौर पर कबीर के शब्दों में ये ख़ास तौर पर उभरा है, ना मैं मुसलमान हूँ ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं रहीम की पूजा करता हूँ ना राम की पूजा करता हूँ, या दोनों की पूजा करता हूँ, या ये एक दूसरे को विरोध में नहीं खड़ा करता। तो ये जो परिकल्पना है एक यूनिवर्सल गॉड की, इसमें एक और अंतर विरोध उन्होंने स्थापित किया है, अंतर विरोध जो कि रिलीजियोसिटी और रिलीजन्स के बीच में, वो रिलीजियोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलीजन्स को उसके बरखिलाफ मान रहे हैं। तो वो ये एक और अंतर विरोध बड़ा दिलचस्प कबीर ने स्थापित किया है। यही नया अंतर विरोध जो कि समाज में शांति की स्थापना करता है, जो कि इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच के विरोधों को
का समाधान ढूंढता है। मैं समझता हूं कि ये एक नई रैशनैलिटी है जो कि जिसका के एक भारतीय चरित्र है, और ये रैशनैलिटी अबुल फजल ने भी स्वीकार की है। आपने कबीर का जिक्र किया, तो जैसे कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, तो वो यूनिवर्सलिटी और व्यापकता की जो बात आप कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, आपकी बात से ऐसा लगता है कि फारसी में अबुल फजल जैसे इंटेलेक्चुअल्स, वर्नाक्युलर में या देश भाषाओं में कबीर और तुकाराम जैसे हमारे दूसरी तरह के इंटेलेक्चुअल्स, क्या इनके बीच में, इन ट्रेडिशंस के बीच में कोई संवाद भी है? मैं खास करके ये सवाल पूछने के पहले आपको केवल आपके ध्यान में ला दूं, आप जानते हैं कि किंवदंती है कि संत दादू दयाल के साथ अकबर ने 40 दिन तक सत्संग किया था। ऐतिहासिक रूप से पुष्ट नहीं है, लेकिन पंथ में मान्यता है दादू पंथ में, और किंवदंती है। और आप जानते ही हैं कि किंवदंतियों को तथ्य के तौर पर पढ़ने की बजाय संकेत के तौर पर पढ़ना बेहतर होता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की किंवदंतियाँ फारसी और वर्नाक्युलर के इंटेलेक्चुअल्स के बीच में किसी संवाद की भी सूचना देती हैं? देखिए, एक बड़े स्तर पर तो मैं नहीं कह सकता कि संवाद वाकई हुआ या नहीं हुआ, उसके कोई कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन उन प्रमाणों के बावजूद भी संवाद सिर्फ आपस में बैठ करके, एक दूसरे के सामने बैठ करके नहीं हुआ करता। जी, जी। संवाद एक तरह से ट्रैवल करता है ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, हर समाज में ऐसा होता है। तो संवाद होते ही हैं समाज में, लेकिन मैं ख़ास तौर पर अबुल फजल का जिक्र यहाँ पर इसलिए करना चाहूँगा कि अबुल फजल ने कबीर का जिक्र किया है और कबीर को उसने मुवाहिद कहा है। मुवाहिद कहा है। ये मुवाहिद बड़ा दिलचस्प शब्द है। जी, इसका संबंध तौहीद से है। तौहीद के कई माने हैं, बहुत सारे अर्थ हैं तौहीद जी के। सबसे सीधा अर्थ तो ये है एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर एक है। तौहीद तौहीद का मतलब ये है वहदतुल वजूद, सिंगलनेस। वही वहदतुल वजूद, अस्तित्व की एकता। मुवाहिद वो है जो इसको तौहीद में यकीन करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि कबीर मुवाहिद थे। अच्छा, मुवाहिद के जैसे मैंने कहा कई माने हैं, लेकिन इसका एक ख़ास भारतीय माने में ये कबीर मुवाहिद थे, जिसका के जिक्र वो कर रहे हैं अबुल फजल। वो जानते हैं कि किन मानों में वो मुवाहिद हैं, और वो इन मानों में वो मुवाहिद हैं जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया है कि वो उस तरह से एक ईश्वरवाद में नहीं यकीन कर रहे हैं कबीर, वो एक यूनिवर्सल गॉड में यकीन कर रहे हैं। वो उनका तौहीद है, तौहीद। डॉक्टर साहब, इससे एक, माफ़ कीजिएगा, इससे एक दूसरा सवाल पैदा होता है, और वो अकबरनामा से थोड़ा व्यापक सवाल बनता है। इलाही यानी डिविनिटी, तो जाहिर है कि अकबर के दीने इलाही का मतलब था रिलीजन ऑफ डिविनिटी, उस डिविनिटी का रिलीजन, और संभवतः उसी के साथ सुलह कुल की धारणा जुड़ी हुई थी। एक इतिहासकार के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक राय, दीने इलाही और सुलह कुल, इन चीज़ों पर अकबर ने अपने राजनीतिक व्यवहार में सचमुच अमल किया, या ये केवल एक दिखावा था और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट था? नहीं, उसने एक फ़खर दीन इलाही, चूँकि आपने इसका जिक्र किया है तो मैं कह दूं कि दीन इलाही सिर्फ एक इतिहासकार ने इसको दीन इलाही कहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि अकबर का दरबारी था, उसने इसको दीन इलाही कहा है। असल में इसको तो तौहीद इलाही कहा जाता है, इसका औपचारिक नाम तौहीद इलाही है। और ये कोई ऐसा दीन वीन था नहीं, कुल अकबर के दरबारी में से 12 या 14 लोगों ने इसको मंजूर स्वीकार किया था, तो इतना कोई बहुत ऐसा व्यापक दीन व्यापक नहीं, प्रभाव नहीं, कुछ नहीं था इसका। और इसका मकसद भी ये नहीं था कि लोगों को कहें कि इस नए धर्म में आ करके शामिल हो जाए, ये मकसद नहीं था। इसका मकसद तो ये था कि अपने दरबारियों को वो अकबर ये बताना चाहते थे कि तुम मेरी तरफ वफादार रहो, अपने दीन, अपने मज़हब, अपनी जात, अपनी कम्युनिटी, इसको छोड़ करके एक जो बादशाह होता है उसकी तरफ तुम्हारी वफादारी होनी चाहिए, एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए ये ज़रूरी है।
तो ये उसका मकसद था। लेकिन जो बड़ी बात आपने कही वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात उनके कि ये सिर्फ दिखावा था या इसमें उसमें व्यवहार खास करके सुलह कुल पे। इसमें अकबर बहुत संजीदगी से इसमें यकीन करता था सुलह कुल में। उसके कई प्रमाण मिलते हैं। एक तो खैर उनके कहने, कई बार उन्होंने कहा भी इस बात को लेकर के, जो लोग मुसलमान हो गए थे उन्होंने उनको इजाज़त दी कि अगर आप लोग अपने धर्म में वापस जाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाज़त है वापस जाओ। यानी जो मुसलमान बना लिए गए थे हाँ, वो चाहे तो वापस हिंदू या जैन या जो भी होना चाहें तो जा सकते थे। ये उसने इजाज़त दी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी उन्होंने। लेकिन एक और मैं आपको उनके बारे में बात बताऊँ कि 1556 में वो जब गद्दी पर आए तो उस वक्त 1556 में तो खैर गद्दी पाया, लेकिन 1560 हम जबकि उन्होंने कारोबार संभाला, इसका भार संभाला, लगभग दो गुट थे नोबिलिटी के अंदर। एक ज़्यादातर तुर्की थे, उनके अपने तुर्किस्तान से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए, और उनसे कम लगभग 50-52% तुर्की थे, और कोई 40-46% ईरानी थे। ये दो ही गुट थे। 1589-80 तक उन्होंने ये ऐसा इसको इसमें बदलाव लाया कि हर इसमें एक तो 4-5 गुट बन गए, दो सिर्फ नहीं थे, और ऐसे उन्होंने स्थापना की कि कोई भी गुट 25% से ज़्यादा ना हो। तो तुर्की भी 24-25% रह गए, बाकी ईरानी भी 18-20% रह गए, हिंदू उसमें आ गए। यानी इस तरह दरबार में एक तरह की एथनिक बैलेंसिंग की बैलेंसिंग किया उन्होंने ताकि कोई एक गुट दूसरों पर हावी ना हो सके। यू नो, ये भी एक तरह से सुलह कुल का ही एक मिसाल। जो बात आपने अभी कही डॉक्टर साहब की तौहीद इलाही के बारे में आपने कहा, उससे मुझे इतिहासकार बेली की एक बात याद आती है, सीए बेली की। वो उनकी जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, मैं उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। और वो ये है कि वॉट अकबर वॉज ट्राइंग टू डू वॉज बिल्ड स्पेसिफिकली इंडियन इम्पीरियल पेट्रियाटिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रॉडर सॉवरेंटी ऑफ इस्लाम। यानी अकबर असल में इस्लाम की व्यापक संप्रभुता के संदर्भ के भीतर, उसके परिवेश के भीतर, एक विशिष्ट भारतीय राजा परक या सम्राट परक, साम्राज्य परक पेट्रियोटिज्म का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा था। आपकी क्या टिप्पणी है? ये बड़ी इंपीरियल पेट्रियोटिज्म मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी लगी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बड़ी हद तक सही है। पेट्रियोटिज्म लफ्ज शायद अच्छा नहीं है इस सेंस में कि वफादारी मैं समझूंगा, लॉयल्टी, पेट्रियोटिज्म से ज़्यादा लॉयल्टी को मैं प्रेफर करूँगा, लॉयल्टी टू द किंग, नॉट टू द लैंड। क्योंकि बेली का तर्क यह है कि पेट्रियास यानी लैंड के प्रति एक लॉयल्टी डेवलप हो रही थी। हाँ, ये उनका तर्क है। इसी पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, सही है, मैं उस पर अभी आता हूँ। जी, एक तो ये कि जब उस अवस्था में जब कोई संविधान नहीं है, जब कोई कानून नहीं है, जब बादशाह का जो कह दे वही कानून है, तो बादशाह के इर्द गिर्द सारा का सारा संस्थाएं चलती हैं, सारी व्यवस्था चलती है। उस समय बादशाह के प्रति वफादारी का मतलब है उस व्यवस्था के प्रति वफादारी होनी चाहिए, उस व्यवस्था के प्रति आपको उसको चलाने के लिए वफादार होना चाहिए। तो बादशाह सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, बादशाह एक प्रतीक उस सारी व्यवस्था का प्रतीक है जिसकी तरफ वफादारी की मांग की जा रही है। दूसरी बात यह कि भारत के प्रति जो क्रिस बेली ने कहा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बात बड़ी हद तक सही है, क्योंकि भारत के प्रति बहुत बहुत मोहब्बत के साथ ये इनकी बहुत मोहब्बत हो गई है हर 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 भारतीय चीज़ के साथ, भारतीय व्यवस्था के साथ। आपको मैं छोटे से उदाहरण दूं, बहुत सारे उदाहरण तो हैं। अकबर ने दो बार अपना सिर मुंडवाया और दाढ़ी वगैरह मुंडवाई, दो बार। एक बार जब उनकी
जीजी अनगा जो कि उनकी फॉस्टर मदर थी, कई से फॉस्टर मदर थी जो उनकी सबसे चहेती फॉस्टर मदर थी, उनकी मौत हुई, उनकी ढाई माँ जो थी, जी ढाई माँ जो थी, उनकी मौत हुई तो उन्होंने सिर मुंडवाया और दूसरी बार अपनी अब माँ के मौत का मृत्यु पर उन्होंने सिर मुंडवाया, बाकायदा मुंडन करवाया, बाकायदा मुंडन करवाया, जो कि जाहिर है कि ये मुस्लिम्स नहीं करते या मध्य एशिया के लोग नहीं करते या तुर्क नहीं करते वगैरह, ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन लेकिन भारत के प्रति एक जो संवेदनशील एक लगाव है वो बल्कि मैं कहूँ तो हुमायूं के ज़माने से ही शुरू हो गया है। आपको ये लगता है कि पेट्रियटिज्म शब्द भले ही थोड़ा सा अटपटा हो लेकिन जो भाव है क्रिस बेली की बात में उसमें काफ़ी दम है, काफ़ी दम है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मुखिया। अब ये छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमारे अतिथि प्रोफेसर मुखिया के साथ यहाँ बैठे श्रोता संवाद करेंगे, तो एक ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। धार्मिकता आपके अंदर है, उसको अपने अंदर में दीजिए, एक तरह से यही बात अबुल फजल भी कह रहे हैं। और मेरा ख्याल मैं तो ये आर्ग्यू कर रहा हूँ आजकल कि अबुल फजल ने ये बात कबीर से सीखी है कि धार्मिकता आपके अंदर है, बाहर नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है, वहाँ मत जाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अकबरनामा पर प्रोफेसर मुखिया के साथ चल रही इस बातचीत में और कार्यक्रम के इस हिस्से में ऑडियंस के सवाल लिए जाएंगे और उन पर बातचीत होगी। यहाँ हमारे बीच अध्यापक भी मौजूद हैं, छात्र और छात्राएं भी मौजूद हैं और अब हम इनके सवालों से दो चार होंगे, तो आप में से जिनको भी सवाल पूछने हैं कृपया अपनी जगह खड़े हों, नाम बताएं और सवाल पूछें। अनीता, आई एम टीचिंग हियर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट सिंस 2006। सर मेरा सवाल ये है, क्या अबुल फजल का की राइटिंग में सूफियों का कोई प्रभाव रहा है जिसकी वजह से उसने इस्लाम से हटकर लिखा है? जी ठीक, जी जी डॉक्टर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अबुल फजल के पिता शेख मुबारक वो खुद भी एक सूफी थे और अबुल फजल पर सिर्फ ना अपने पिता का बल्कि दूसरे सूफियों का भी काफ़ी प्रभाव है, ख़ास तौर पर इब्न अल अरबी का प्रभाव है। इब्न अल अरबी ने जो परिकल्पना दी थी वहदतुल वजूद की, वजूद एक ही है लेकिन उसके कई मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो वहदतुल वजूद को कैसे, अस्तित्व का एकत्व, अस्तित्व की एकता, अस्तित्व की एकता है लेकिन उसके मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं, तो एक तरह से यही बात अबुल फजल भी कर रहे हैं, यू नो कि अस्तित्व एक ही है, गॉड एक ही है, यूनिवर्सल गॉड है जो ना ईश्वर है ना अल्लाह है लेकिन यूनिवर्सल गॉड है, उसके मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं, तो काफ़ी प्रभाव है सूफियों का। आपका बिल्कुल अच्छा अच्छा प्रश्न था। और कोई सवाल? सर हेमंत चौहान नाम है मेरा। सर बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आईन अकबरी जो इसका तीसरा जिल्द है उसमें तौहीद इलाही को लेकर के, सर एक ये जो टर्म है तौहीद इलाही हर जगह यूज़ की जा रही है बट अब जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो दीन इलाही मिलता है, और सर दीन इलाही एक कहेंगे सर बहुत ही सकारात्मक रूप से या फिर उसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, सर ऐसा क्यों सर तौहीद शब्द उन्होंने प्रयुक्त किया? एक तो ये कि दीन इलाही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ एक इतिहासकार हैं अकबर के ज़माने के, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, उन्होंने दीन इलाही शब्द का इस्तेमाल किया है, बाकी इसका जो औपचारिक नाम है वो तौहीद इलाही है। और तौहीद का मतलब वही एकलता, यू नो ईश्वर की एकलता के बारे में वो, और ईश्वर से भी ज़्यादा जो डिविनिटी जिसका मैं तो इलाही डिविनिटी की जिसका मैं बात कर रहा था उसकी एकलता पर वो जोर दे रहे हैं, अल्लाह से ज़्यादा वो इलाही होने पर जोर दे रहे हैं, तो उसकी एकलता पर उसकी यूनिटी पर वो तौहीद का मतलब जैसे मैंने कहा एक तौहीद वहद
वहद होता है एक, हाँ, तो उसी से तौहीद निकला है जो कि एकलता पर जोर देता है, एकलता का उसका वो, तो वो एकलता पर जोर दे रहे हैं बार बार। दीन से, दीन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दीन तो कई हो जाते हैं, यू नो, इस्लाम भी एक दीन है, हिंदू धर्म भी एक दीन है, क्रिश्चियनिटी भी दीन है, तो इसलिए वो दीन से ज़रा हटना चाहते हैं अबुल फजल, और इसलिए वो दीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें सुनते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, दरबारी लेखन है आखिरकार, अकबरनामा दरबार में रह के लिखा गया है, और ऐसा कई दरबारी लेखनों में दिखता है कि बिटवीन द लाइन्स उसमें कुछ आलोचना भी होती है दरबार की या शहंशाह की, राजा की, ऐसे कुछ संकेत अबुल फजल के लेखन में भी मिलते हैं क्या, कि किन्हीं चीज़ों से नाराज़गी जाहिर कर रहे हों, असंतोष जाहिर कर रहे हों, बचते हुए ही सही लेकिन असंतोष जाहिर कर रहे हों, ऐसा कहीं लगा आपको अपने अध्ययन में? अबुल फजल में उतना नहीं है, उसका भी कारण है, बाकी इतिहासकार बदायूनी का मुंतखब तवारीख तो है ही सिर्फ उसमें। हाँ नहीं, बदायूनी का तो खैर जाहिर प्रसिद्ध है, लेकिन मैं सिर्फ आलोचना के सिवा जी जी नहीं, वो बदायूनी का तो ठीक है। लेकिन अबुल फजल में इसलिए नहीं है कि अबुल फजल एक बहुत बड़ा इतिहास की परिकल्पना को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनके मुताबिक अकबर आदम का 53वां वंशज है। जी जी, तो इसका मतलब है कि अकबर सिर्फ मुसलमानों का शासक नहीं है, वो समग्र इंसानियत का शासक है। तो वो उसको एक यूनिवर्सैलिटी ऑफ किंगशिप भी बना रहे हैं, उनको यूनिवर्सैलिटी से उनको बहुत ही नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक इसलिए वो उसमें वो एक तरह से स्थापन करना चाहते हैं कि एक तरह से इतिहास अपनी क्या कहें फुलफिलमेंट तक पहुंच गया है अकबर के ज़माने में आकर के। तो यानी वहाँ आलोचना का कोई स्पेस, कोई वजह नहीं दिखती। थोड़ी बहुत आलोचना इन बातों की है कि अकबर ने एक जवान आदमी था जिस वक्त, तो एक शेर से जाकर के लड़ पड़ा था और अपनी जान खतरे में डाल दी थी उसने, खैर वो शेर को काबू में आ गया, तो वो तो उस पर है कि ये ऐसा शख्स भी इस अकबर को ऐसा करना चाहिए और अपनी जान को खतरे में, इस तरह की ये भी आलोचना नहीं बल्कि एक तरह से प्रशंसा ही है, क्योंकि उसमें आलोचना का स्कोप है नहीं। जी 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 जी, अगला सवाल। सर, मेरा नाम अमृता सिंह है। मैं जानती हूँ कि ये जो आज विषय है वो किताब है, और उस किताब के संदर्भ में हम अबुल फजल की यानी अकबरी की बात कर रहे हैं, अकबरनामा की बात कर रहे हैं। इतिहास लेखन में और आजकल जो नए चलन चले हैं, और कई दशकों से मिडिवल हिस्ट्री है या जिस भी संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं, बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल हो रहा है, और नए तरीके से भी हम इतिहास के, चाहे इसी समय के लिए समकालीन समय लें अकबर का, एक नए तरीके से बहुत अनेक तरीक़ों से इसका लिख रहे हैं। तो क्या अकबरनामा की महत्वता को रिलेटिवाइज करा है अलग तरह के सोर्सेस के अध्ययन ने और अलग तरह से इतिहास लेखन ने, क्या या इसकी महत्वता आज भी कायम है? मैं आपके सवाल का अपने दर्शकों के लिए सरल भाषा में अनुवाद कर दूं, और वो ये है कि पिछले दिनों इतिहास लेखन की जो नई विधियां और नए स्रोत विकसित हुए हैं, क्या उन्होंने इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में अकबरनामा का महत्व तो कुछ कम कर दिया है? बहुत ही अच्छा आपने बयान दिया कि आज सुबह ही मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी कि आजकल का जो इतिहास, नौजवान जो इतिहासकार हैं, मध्यकालीन इतिहास लिख रहे हैं, वो बिल्कुल कमाल का इतिहास लिख रहे हैं, बहुत इतना सुंदर इतिहास लिख रहे हैं जो कि कम से कम मेरी नस्ल के इतिहासकारों के बस में नहीं था। इसमें नए स्रोत, नए परिवेश, नए परिप्रेक्ष्य, नई अवधारणाएं आई हैं और इतनी खूबसूरत आई हैं। एक तो ये कि मसलन ये कि हम लोग साहित्य को इतिहास का एक स्रोत मानते हैं, साहित्य से भी हमें कुछ सूचनाएं मिल जाती हैं स्रोत के लिए। अब जो इतिहासकार हैं, नए इतिहासकार, वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत धारणा है, साहित्य अपने आप में एक इतिहास है, साहित्य में इतिहास का एक परिवेश है, यू नो, तो आप साहित्य को इतिहास की
की का एक स्रोत न मानिए, साहित्य को इतिहास की सूरत में पढ़िए। ये बहुत ही खूबसूरत, कई तीन चार किताबें अभी पिछले दिनों में आई हैं इसी विषय को लेकर के, या अभी एक किताब आई है ऑड्रे त्रुश की के कैसे, या उसके पहले गनेरी की किताब आई है कि कैसे फिलासफी दर्शन का और ख़ास तौर पे संस्कृत का इतना प्रभाव बढ़ रहा है, इतनी गतिशीलता आ रही है उसमें 17वीं शताब्दी में, मुग़लों के ज़माने में गतिशीलता आई है उसमें, तो इसलिए बहुत बदला है इतिहास लेखन और उसमें तरह तरह के नए नए स्रोत और नए नए परिवेश आए हैं, परिदृश्य आए हैं, और जिसमें के एक तरह से जो इतिहास हमें अकबरनामा मिलता है वो इतिहास अब बहुत कम लिखा जाने लगा है। और कोई सवाल? जो दीन इलाही धर्म है वो तो खुद ही सबको लेकर चलता है, फिर जो कबीर है उन्होंने एकेश्वरवादी हैं या वो जो भी है उन्होंने ये क्यों कहा था फिर, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लाई बनाए और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, वो फिर उसकी आलोचना क्यों करते हैं? ये तो आप ये सवाल कबीर से पूछ रही हैं या दीन इलाही से या मुखिया साहब से? ये पहले क्लियर नहीं, एक तो ये कि वो सिर्फ ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, सिर्फ यही नहीं कहते, वो ये भी कहते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि वो ताकि वो चक्की भरी जो पीस खाए संसार। तो वो हर धर्म की रिचुअल्स की का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ वो आलोचना नहीं कर रहे, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इसको छोड़िए, इसमें धर्म नहीं है, इसमें धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता शब्द मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली, यूनिवर्सल रिलीजियोसिटी को, इसमें धर्म है लेकिन इसमें धार्मिकता नहीं है, यू नो, धार्मिकता आपके अंदर है, उसको अपने अंदर में ढूंढिए। एक तरह से यही बात अबुल फजल भी कह रहे हैं, और मेरा ख्याल मैं तो ये आर्ग्यू कर रहा हूँ आजकल कि अबुल फजल ने ये बात कबीर से सीखी है कि धार्मिकता आपके अंदर है, बाहर नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है, वहाँ मत जाइए। तो आपका ठीक सवाल है कि वो क्यों आलोचना कर रहा है कबीर, वो इसलिए आलोचना कर रहा है, वो सभी की आलोचना कर रहा है कि ये आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, धार्मिकता आपके अंदर है, धर्म बाहर है, धार्मिकता आपके अंदर है। और हाँ पूछिए। हेलो सर, माय नेम इज़ मानसी गर्ग एंड आई एम फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सुलह कुल को हम सेकुलरिज्म का भारतीय संकरण समझ सकते हैं, कहा जा सकता है ऐसा? मुझे असल में 16वीं शताब्दी में सेकुलरिज्म शब्द से था अटपटा सा लगता है, यू नो, 16वीं शताब्दी में ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की समस्या नहीं थी, ये हमारी शताब्दी की समस्या, 20वीं और 21वीं शताब्दी की समस्या है। तो इसलिए हम कहें कि अकबर बड़ा सेकुलर रूलर था, तो मुझे बड़ा सा अजीब सा लगता है, यू नो, लेकिन एक तरह से जो आप बात कह रहे हैं वो सही भी है, क्योंकि जिसको हम अब सेकुलरिज्म कहते हैं वो बुनियादी तौर पर सुलह कुल का ही एक स्वरूप है, कि हमें सभी धर्म के अनुयायियों की आदर करना चाहिए, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए, यही एक तरह से भारतीय सेकुलरिज्म का एक तरह से समझ है। हाँ जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सवाल यह है कि अकबरनामा पर किन किन परंपराओं का प्रभाव पड़ा है? अकबरनामा पर बहुत सारी परंपराओं का प्रभाव है, एक तो इतिहास लेखन की परंपरा अपने आप में, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि इस्लाम से ये इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, जो कि जाहिर है अकबरनामा ने एक तरह से उससे अपने आप को अलग हटाया, लेकिन फिर भी उस परंपरा के भीतर भी हैं, उस परंपरा के भी कई शाखाएं हैं। अरब मुल्कों में जो इतिहास लेखन था वो था या तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में, वहीं से शुरू हुआ था, या फिर वंशों के बारे में, या फिर समाजों के बारे में शुरू हो गया, या फिर आखिर में आकर के एक विश्व इतिहास की भी परिकल्पना बनी। हालांकि उनका विश्व तो जो था वो पूरा विश्व नहीं था, उनका विश्व वही था जो जहाँ पर इस्लाम फैल चुका था, यही उनका विश्व था, लेकिन एक परिकल्पना बनी विश्व इतिहास की। और दूसरी ये कि इस परिकल्पना में तारीख का, तिथियों का, क्रोनोलॉजी का बहुत सख्त, बहुत महत्व है,
ज़रा भी इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकते। फला घटना इस दिन हुई थी, इस साल में, इस महीने में, इस दिन हुई थी, यू नो। तो ये जो क्रोनोलॉजी पर जो जोर देते हैं वो सारे परंपरा में वो चला आ रहा है, अकबरनामा को ले में भी है और सभी में भी है, वो तो है। तो एक तरह से वो परंपरा है, उसी परंपरा में अकबरनामा लिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो जिसको मैंने बहुत जोर दे करके बयान किया है कि वो उससे अलग भी हो रहे हैं, यू नो। तीसरी तरफ अकबरनामा में सिर्फ ज़्यादातर इतिहासों में दरबार, उनके दरबारियों, उनके झगड़े आपस में और उनके विद्रोह और उनके लड़ाइयाँ, इनका जिक्र होता है। अकबरनामा में, ख़ास तौर पर आईने अकबरी में, जो कि अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, उसमें समाज के बारे में, और सिर्फ उनके ज़माने के समाज के बारे में, प्राचीन काल के भारत के समाज के बारे में, भारत के साहित्य के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की माइथोलॉजी के बारे में बहुत लिखा है उन्होंने, बहुत रिसर्च करके बहुत लिखा। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने जो कहा, क्या किसी रचना विशेष का उल्लेख भी करते हैं अबुल फजल प्राचीन भारतीय साहित्य में से? बहुत, कई, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, बहुत करते। तो वो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। वो जैसे वो इन सब से उनको दो उनको शौक हैं, एक तो ये कैलेंडर्स के बारे में, जी कैलेंडर्स के बारे में, राइट, वो ग्रीक कैलेंडर्स और हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर वगैरह सबको बहुत अच्छी तरह स्टडी करते हैं, और दूसरा माइथोलॉजी के बारे में उनको बहुत शौक है, हर किस्म की माइथोलॉजी को स्टडी करते हैं, और उनको बहुत, मसलन वो अयोध्या का जब जिक्र करते हैं आईने अकबरी में, तो कहते हैं कि अयोध्या यहाँ यहाँ पर स्थित है वगैरह वगैरह, और अयोध्या में त्रेता युग में यहाँ राम का जन्म हुआ। हाँ, ये जिक्र करते हैं जी। नहीं, मेरा सवाल इधर, डॉक्टर साहब, कि जैसे आपने कहा कि प्राचीन भारतीय रचनाओं का, साहित्य का, साहित्य उनमें कुछ स्पेसिफिक रचनाओं का जिक्र है या केवल माइथोलॉजी का जिक्र है? साहित्य की रचनाओं का काफ़ी जिक्र है उसमें। किन रचनाओं का जिक्र? मुझे याद करना पड़ेगा जी, लेकिन साहित्य की, प्राचीन भारतीय साहित्य स्पेसिफिक रचनाओं का जिक्र, है। आपने एक कैलेंडर्स की बात की, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस समय जो बांग्ला कैलेंडर कहलाता है उसको सिस्टमेटाइज करने में भी अकबर और उनके साथियों का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा माना जाता है जी। अगला सवाल, मेरा क्वेश्चन सुलह कुल नीति से है कि सुलह कुल नीति और सर्वधर्म में क्या अंतर है, या इस, संभाव, हाँ, सर्वधर्म, या यूं कहे कि इसमें क्या संबंध है? सर्वधर्म संभाव भी एक तरह से वही बात कह रहा है कि हमें सब धर्मों का को एक नज़र से देखना चाहिए, उनमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन एक उसमें फिर भी समस्या रह जाती है कि मैं अपने धर्म को बहुत ऊंचा मानता हूं, आपके धर्म को भी भावना देता हूं, आपके धर्म के खिलाफ मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने धर्म को फिर भी बहुत ऊंचा मानता हूं। ये सर्वधर्म संभाव में ये ऊंच नीच का फिर भी थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, यू नो। ये भेदभाव नहीं है, लेकिन ये वही है कि मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा बड़ा है, यू नो। तो तुम्हारा घर अच्छा है, लेकिन मेरा घर तुमसे सारा ज़्यादा बड़ा है, मैं भी तुम्हारे घर में आऊँगा, लेकिन मेरा घर बड़ा है, वो जो थोड़ा सा वो फ़र्क कर देते हैं सर्वधर्म संभाव में। सुलह कुल का मतलब है सबके साथ शांति, पीस विद ऑल, यू नो। हमें किसी के, सबके साथ शांति बनाए रखना चाहिए, यू नो। तो उसमें वो जो ये है कि मेरा धर्म फिर भी अच्छा है, तुम्हारा धर्म फिर भी थोड़ा सा नीचे है, वो भावना उसमें सुलह कुल में नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनमें काफ़ी समानता है सुलह कुल में और सर्वधर्म संभाव में। सर, मेरा नाम पूजा है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अकबरनामा का जो प्रमाण दिया गया है उसको कितना प्रमाणित माना जा सकता है? बेटा, ये प्रामाणिकता बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि एक ज़माना था जब हम लोग ये मान करके चलते थे कि इतिहास हमें बिल्कुल जो सच्चाई है वो हमारे सामने उभार करके रख देगा, यू नो। बिल्कुल सच बात जो है, सत्य, अंतिम सत्य हमारे सामने आ जाएगा इतिहास के ज़रिए।
19वीं शताब्दी में जर्मन इतिहासकार थे लियोपोल्ड वॉन रांके, उन्होंने कहा हिस्ट्री टेल्स अस एज इट रियली हैपेंड, इतिहास हमें बताता है जो वास्तव में हुआ था। तो वास्तव पर जोर है, हमें सच पता लग जाएगा क्या है। आज मैं लंबी बहस में नहीं जाना चाहता, आज हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इतिहास हमें सच नहीं बताता और ना बता सकता है, कभी नहीं बता सकता। इसकी कई वजह हैं, एक तो ये कि बहुत सारा इतिहास नष्ट हो चुका है जो हम कभी हमें वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये सभी सामाजिक विज्ञानों की बात है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी या ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी, लिटरेचर वगैरह, इनकी बात है। इनमें वो ऑब्जेक्टिविटी, निरपेक्ष सत्य वो नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ नेचुरल साइंसेज में होता है निरपेक्ष सत्य, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हमारे विषयों में, हमारे डिसिप्लिन्स में ये नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं होता, क्योंकि ये जितने भी तथ्य बनाए हैं, जो तथ्य नेचर में हैं वो तो नेचर ने बनाए हैं, लेकिन जो यह इतिहास में जो तथ्य हैं वो तो हम इंसानों ने बनाए हैं, लड़ाइयाँ तो हम इंसानों ने लड़ी हैं, विचारधाराएँ तो हम इंसानों ने बनाई हैं, तो वो इंसानों की बनाई हुई विचारधाराएँ हैं, इंसानों के बनाए हुए तथ्य हैं, वो कभी वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है ये इतिहास कभी बता नहीं सकता है। तो इतिहास हमें क्या बताता है? इतिहास हमें बताता है कि इतिहास को कैसे, किस समय में कैसे परखा गया, कैसे समझा गया, जिसका मैं बहुत देर तक जिक्र कर रहा था कि अकबर, अबुल फजल ने इतिहास को एक ख़ास ढंग से परखने की, समझने की, आपके सामने रखने की कोशिश की है ना, जो कि बिल्कुल अलग था, दूसरों से बिल्कुल अलग था। इसीलिए हर एक का इतिहास बिल्कुल दूसरों से अलग होता है, उसकी समझ अलग होती है, और ये इसलिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी इतिहास में कोई नहीं होती है। ये 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 अवधारणा ही गलत साबित हो चुकी है कि हम किसी वस्तु परक तथ्य तक, सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, इतिहास में नहीं होता है। तो इसलिए उसकी प्रामाणिकता यही है कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। और कोई सवाल? सर, माय नेम इज़ चेतना जोशी, एंड सर जैसे आपने कहा है जैसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है, तो मुझे ये जानना है सिंस अकबर वाज अ अकबर पेट्रोनाइज्ड हिस्टोरियन, अबुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन, सो मुझे ये पूछना है कि बायसेस अकबरनामा में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिली हैं? बायसेस लफ्ज फिर मुझे ज़रा पसंद नहीं है, क्योंकि बायस तो वो होता है जो कि आप जानते हैं कि ये बात सही नहीं है, इतिहास इसकी गवाही नहीं देता जो आप, लेकिन आप फिर भी वही बात कर रहे हैं, बायस तो ये होता है। बायस मतलब डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन को कहते हैं बायस, यू नो, ये डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन की बात नहीं है। मसलन अबुल फजल और बदायूनी दोनों कोर्टियर्स हैं अकबर के, दोनों ने इतिहास लिखे हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं, बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं। अब कौन सा बायस्ड है और कौन सा अनबायस्ड है, ये कहना इम्पॉसिबल है और ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि अबुल फजल हमें क्या बताना चाहता है इतिहास के ज़रिए। अबुल फजल ये बताना चाहता है कि बादशाह अकबर समूची मानव जाति का शासक है, बादशाह है। अबुल फजल बदायूनी हमें ये बताना चाहता है कि अकबर के आने तक सारे शासक जो थे मध्यकाल, जो उसको मध्यकालीन हम कहते हैं, वो नहीं कहते हैं, शासक थे वो मुस्लिम शासक थे, वो मुसलमानों के लिए शासक थे, वो समग्र मानव जाति के शासक नहीं थे, मुस्लिम अच्छे उनके लिहाज से बड़े अच्छे शासक थे, क्योंकि वो मुस्लिम शासक थे, क्योंकि वो बहुत कट्टर मुसलमान था खुद। अबुल फजल ये हमें बताना चाहता है कि बिल्कुल उल्टा उसका, यू नो, तो इसमें बायस की बात नहीं है। बायस एक तरह से आप कह सकते हैं दोनों में है या किसी में भी नहीं है, बायस की बात नहीं है, बायसेस में मत जाइए। इस ये देखिए कि हमें आप क्या बतलाना, क्या क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हम बायसेस से खुद ही उसका उससे हम समझ लेंगे उनको, बायसेस को। डॉक्टर साहब, जो बात हो रही है अंत में, अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अब समय समाप्त हो रहा है। क्या जिस तरह तुकाराम को और कबीर को आधुनिक चित्त के निकट माना जाता है, क्लोजर टू मॉडर्न सेंसिबिलिटी, क्या इस तरह की बात हम अबुल फजल के बारे में भी कह सकते हैं?
1930 के दशक में एक समाजशास्त्री थे बेनेडिटो क्रोचे, इटालियन थे, इटालियन समाजशास्त्री, उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, राइट राइट, ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, इस सेंस, इस अर्थ में कि आप चाहे प्राचीन कालीन इतिहास, चीन का इतिहास, भारत का इतिहास, ग्रीस का इतिहास, कहीं का मध्यकालीन आधुनिककालीन के इतिहास की किसी भी समस्या पर इतिहास का लेखन कर रहे हैं, उसका संबंध आज के ज़माने में है। इसलिए संबंध क्यों है आज के ज़माने में संबंध, क्योंकि आप जो आज लिख रहे हैं 21वीं सदी शताब्दी में आप अकबर के ज़माने में लिखेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न होंगे वो 21वीं सदी के प्रश्न होंगे, वो 16वीं सदी के प्रश्न नहीं हैं, वो आपको 21वीं सदी ने वो प्रश्न दिए हैं। तो इसलिए आप जो प्रश्न लेकर के 16वीं शताब्दी में जा रहे हैं उनका संबंध बैठ जाता है। तो चाहे वो कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे अबुल फजल हो, चाहे कोई हो, कोई भी समस्या हो, उसका संबंध तो है ही आज के आपके ज़माने के साथ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातचीत ये रही आपसे, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे दूसरे एपिसोड्स की तरह ही एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अकबरनामा के बारे में अगर आपने किताब पढ़ी है या इस एपिसोड के बाद इसके बारे में कुछ जानने की, पढ़ने की इच्छा हो तो अकबरनामा के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी टिप्पणी, अपनी राय हमें facebook.com/rajyasabhatv पर दें, या हमारे ट्विटर हैंडल @rajyasabhatv पर #kitabonrstv में ट्वीट करें। आपकी राय का हमें हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा, और जो बेहतरीन राय होंगी, बेहतरीन टिप्पणियाँ होंगी, उन्हें हम पुस्तकों के उपहार भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अगली बार, अगले सप्ताह फिर हम मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण किताब पर, किसी महत्वपूर्ण विचारक, विद्वान या लेखक से बात करने के लिए। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।